हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंग फेंग अपने हैंओनली डिवाइन सोर्ड की रीइनकार्नेशन की वजह से अपने मार्शल सोल की मदद से हैंओनली सोर्ड सेट के सभी सोर्ड लिंग फेंग के हैंओनली डिवाइन सोर्ड में कंबाइन होने के लिए उड़ते हुए उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर किंग मोबिको की पटने लगती है। अब इतने शक्तिशाली लिंग फेंग को देखकर वहीं टोंगफी हैरान होते हुए कहता है, ये लिंग फेंग तो 10,000 स्वॉर्ड का स्प्रेड स्वॉर्ड गॉड है, आखिर इस हरामी के पास इस तरह की स्वॉर्ड स्प्रेड कहां से आ गई? जिस पर स्पिरिचुअल डोमेन का सेशन उसको जवाब देता है, मैंने स्पिरिचुअल डोमेन में आज तक किसी ऐसे स्प्रेड स्वॉर्ड नहीं देखी। जिस पर किंग मोबिको गुस्से से कहता है, हम ऐसे इसको स्वॉर्ड पावर्स को ऑब्जर्व करने नहीं दे सकते हैं। और इतना कहकर तुरंत ये हैंओनली ड्रैगन माउंटेन एंड रिवर्स को बाहर निकाल कर लिंग फेंग पे अटैक करवा देता है, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही उसको वहीं रोक देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां चारों तरफ फैल जाती है, जिससे वहां के सभी स्टूडेंट्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी की ऑरा बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी जोरदार उन पे जा लगती है। अब तभी लिंग फेंग अपने हैंओनली डिवाइन सोल टेक्निक से उस पे अपने स्वॉर्ड रेन से अटैक करवा देता है, जिस पर किंग मोबिको का ड्रैगन पॉम्प बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर किंग मोबिको तुरंत ही अपने ड्रैगन से उस पे अटैक करवा देता है, जिस पर लिंग फेंग अपने थंडर स्वॉर्ड से उसके ड्रैगन पे थंडर स्लैश अटैक कर देता है। और इसके साथ ही लिंग फेंग तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर एनर्जी से उस पर अटैक करवाकर उस ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर किंग मोबिको तुरंत ही दोबारा से अपने तियानलोंग पाम से अटैक करवाता है, जिस पर लिंग फेंग भी दोबारा से अपने स्वॉर्ड वाटरफॉल अटैक करवाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से किंग मोबिको नीचे जमीन पे जा गिरता है और तुरंत ही अपने ड्रैगन शील्ड से उन सभी स्पिरिट सोर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जिस पर किंग मोबिको खुद से कहता है, इस बच्चे ने इस स्वॉर्ड सेट टैबलेट्स की पावर्स को यूज करने के लिए यहाँ सभी स्वॉर्ड को एक साथ जमा कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी ताकत ट्रांसजेंडर रैम लेवल तक पहुंच गई है। अब तभी ये सभी देखकर हैंओनली स्वॉर्ड सेट का स्टूडेंट कहता है, मुझे यकीन नहीं होता लिंग फेंग ने किंग मोबिको की बैंड बजा दी है। जिस पर दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, किंग मोबिको अपने हैंओनली ड्रैगन शील्ड की वजह से काफी शक्तिशाली है, पर लिंग फेंग की ताकत पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मुझे यकीन नहीं होता किंग मोबिको ब्रदर लिंग फेंग को रोक नहीं पा रहा है। जिस पर सीनियर ली जवाब देता है, लिंग फेंग ने स्वॉर्ड माउंटेन के सभी स्प्रेड स्वॉर्ड को जमा करके उसकी पावर्स को खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब तभी मिस कुआनियन कहती है, अब देखते हैं किसमें इतनी दम है जो लिंग फेंग को रोक सके। जिस पर मिस जेनहीर कहती है, लिंग फेंग के टैलेंट के हिसाब से अगर ये कुछ देर के लिए और कल्टीवेट कर ले तो वह इनका हैंओनली गॉड भी बन सकता है, जिसकी वजह से किंग मोबिको अपने डर की वजह से उसको ऐसा करने से रोक रहा है। अब तभी दूसरी तरफ किंग मोबिको कहता है, हमें इस हरामी को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। जिस पर वो तुरंत ही खुद को हैंओनली ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही वो अपने हैंओनली ड्रैगन शील्ड ट्रेजर की मदद से माउंटेन एंड रिवर अटैक से बड़ी आसानी से उन सभी स्पिरिट सोर्ड को पीछे लिंग फेंग पे दे मारता है, जिसकी वजह से लिंग फेंग जमीन पे जा गिरता है। अब तभी ये देखकर टोंगफी कहता है कि मास्टर ने खुद की ड्रैगन शील्ड की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन ले ली है, इस फॉरबिडन टेक्निक से ये अपने स्पिरिचुअल सोल को डैमेज कर लेगा। जिस पर दूसरा असैसिन उसको कहता है, ये मत बोलना, ये बच्चा स्वॉर्ड मास्टर है। अब तभी दूसरी तरफ किंग मोबिको लिंग फेंग को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और इतना कहकर तुरंत ही लिंग फेंग पे अटैक करवा देता है, जिस पर लिंग फेंग तुरंत ही अपने हैंओनली डिवाइन सोर्ड से उसको डिफेंड करने लगता है और अपने एक की स्वॉर्ड स्लैश से उसको पीछे कर देता है और तुरंत ही सभी स्पिरिट सोर्ड की पावर्स की मदद से अपने हैंओनली डिवाइन गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वाकई बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। अब लिंग फेंग तुरंत ही अपने हैंओनली गॉड क्लोन बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर टोंगफी भी हैरान हो जाता है। अब तभी जैसे ही वो ड्रैगन अटैक करने आता है, तभी लिंग फेंग अपने हैंओनली गॉड क्लोन बॉडी से स्वॉर्ड ब्रेकिंग स्काई अटैक से तुरंत ही उस हैंओनली ड्रैगन पे एक जोरदार अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और किंग मोबिको का ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो तुरंत ही अपने नॉर्मल इंसानी फॉर्म में आ जाता है। अब इस अटैक से किंग मोबिको बहुत ही जख्मी हो जाता है। अब लिंग फेंग की ताकत को देखकर सुप्रीम एल्डर कहता है, इस बच्चे ने हैंओनली गॉड स्वॉर्ड को पकड़ा है, मैंने ये नहीं सोचा था मेरा हैंओनली स्वॉर्ड सेट के पास इस तरह के लाजवाब टैलेंट है। अब तभी वहां के सभी हैंओनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट लिंग फेंग को चीर करने लगते हैं। अब तभी लिंग फेंग
किंग मोबिको को कहता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल डोमेन ताकतवर होगी पर मेरे हेवन एंड अर्थ की के आगे कुछ भी नहीं है। तुम अकेले मेरे 10,000 स्वॉर्ड के साथ फाइट नहीं कर सकते हो। और इतना कहकर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड रिवर्स रूम से उस पर अटैक करवा देता है, जिस पर डर के मारे किंग मोबिको तुरंत ही अपने ओल्ड एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बचा लो। जिस पर तुरंत ही ओल्ड एंसेस्टर की स्पिरिट सोल आकर उन सभी 10,000 स्वॉर्ड को पीछे कर देती है। जिस पर वो स्पिरिट सोल कहता है, मैं टोंगटियन पावर हाउस रियल्म की स्पिरिट बॉडी हूँ। जिस पर लिंग फैन को याद आ जाता है कि एक मास्टर ने इसको इस स्पिरिट कार्ड के बारे में बताया था कि जो भी स्पिरिट कार्ड को एक्टिवेट करता है उस क्लैन की स्पिरिट बॉडी उसकी मदद के लिए आ जाती है। जिस पर लिंग फैन कहता है, यकीन नहीं होता स्पिरिचुअल डोमेन सेट के पास अभी भी इस तरह की बॉटम कार्ड है। अब तभी टोंगफी उस स्पिरिट सोल को देख के हंसते हुए कहता है, ये एंसेस्टर हमारे क्लैन का है, मुझे यकीन नहीं होता एंसेस्टर ने मास्टर के लिए अपनी स्पिरिट मैजिक बॉडी साइन को छोड़ा था। जिस पर एक असैसिन उसको कहता है, अब ये छोटा सा हैवल सोर्ड सेट इस ओल्ड एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी को कैसे हराएगी। अब तभी दूसरी तरफ ये देखकर हैवल मास्टर कहता है, ये एंसेस्टर तो स्पिरिचुअल डोमेन का मोजियो लेने जाए। जिस पर सुप्रीम एल्डर जवाब देता है, ये तो हैवल रियल्म तक पहुंच चाहे। दूसरी तरफ मिस कुवानियन कहती है, यकीन नहीं होता स्पिरिचुअल डोमेन के पास इतने शक्तिशाली और ताकतवर लोग भी हैं। अब तभी वो स्पिरिट सोल गुस्से से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है, जो कार्ड मैंने तुझे दी थी तूने उसका इस्तेमाल क्यों कर दिया। जिस पर किंग मोबिको जवाब देता है, ओल्ड एंसेस्टर मेरे पोते किंग जाओ का कत्ल हुआ है और मैं यहाँ उसका बदला लेने आया हूँ। मुझे नहीं पता इनके पास इतने शक्तिशाली डिजाइबल होंगे। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी पर मैं इस बच्चे के आगे कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से मैंने अपनी स्पिरिचुअल डोमेन सेट के खातिर अपने एंसेस्टर से मदद मांग ली है, इसलिए आप मुझे आज इंसाफ दिला दें। जिस पर वो स्पिरिट सोल कहता है, तुम्हारे पास तो है ओनली ड्रैगन ट्रेजर सील है, मुझे यकीन नहीं होता फिर भी तेरे को मुझे बुलाना पड़ा। और फिर पूछता है, क्या ये वही यंग मास्टर है जिसकी तुम बात कर रहे हो। इस यंग मास्टर के पास तो बड़ी कमाल की एबिलिटी है। जिस पर किंग मोबी को जवाब देता है, ये लिन ज़ोरटियन का बेटा है, हमने सुना था लिंग फेंग से उसकी रॉयल रैंक्स मार्शल सोल को ले लिया था, पर आज पता चला कि इस बच्चे ने तो अचानक से इतनी शक्तिशाली पावरफुल मार्शल सोल को हासिल कर लिया हुआ है। और उस लिन ज़ोरटियन ने एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर इसके लिए छोड़ा है, जिसे उसका बेटा खुद की हैवनली गॉड क्लोन बॉडी को बाहर निकालता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, जो कि गॉड लेवल की है। जिस पर वो एंसेस्टर कहता है, लगता है लिन ज़ोरटियन इनके लिए एक एंजल से कम नहीं था जो इतने जबरदस्त ट्रेजर छोड़ के गया है। जिस पर वो लिंग फेंग को कहता है, बच्चे तुमने हमारे क्लैन के यंग मास्टर को जान से मारा है तो आज उसका हिसाब होगा। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो जरा बराबर भी अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।